नमस्कार दोस्तों, गांव कनेक्शन गांव से शहर तक यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को क्या कहा और किसानों से क्या अपील की है। आप वीडियो पूरा देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटी का निशान है उसे भी दबाइएगा, उसे दबाने के बाद में जो ऑल का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें और समझें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से क्या अपील कर रहे हैं और आपको भी उस अपील पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखें और अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक किसानों तक इसे पहुंचाएं ताकि सभी तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये आवाज़ पहुंच सके, ये अपील उन तक पहुंच सके। आप ये जो कदम उठा रहे हैं बधाई के पात्र हैं, लेकिन मेरा एक काम करेंगे आप? जी सर। देखिए, सरकार ब्याज भी कम कर रही है, बहुत बड़ी मात्रा में धन भी दे रही है और आप जैसे पढ़े लिखे किसान जब इसका नेतृत्व करते हैं तो कितना बड़ा बदलाव आता है। लेकिन क्या आप किसानों को समझाएंगे कि हमें हमारी धरती माता को भी बचाना है? जिस प्रकार से हम आंख बंद करके अनाप शनाप यूरिया का उपयोग करते हैं, पूरी धरती माता हमारी तबाह हो रही है। तो हमारे किसान, कम से कम आपके जो 1100-1200 किसान, वो ये तय कर सकते हैं कि अभी अगर वो 5 थैली यूरिया लेते हैं तो आगे से 3 थैली में ही चलाएंगे, अभी वो 6 थैली लेते हैं तो आगे से 4 थैली में ही चलाएंगे, कम से कम 2 थैली कम करेंगे। ऐसा आप किसानों को वचन लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, बहुत फायदा, उसका पैसा बचेगा, ये हमारी धरती माता बचेगी और किसान का, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। क्या करोगे? किसान भी समझ, तो मैं कभी फोन करके पूछूं। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बायो फर्टिलाइजर सर रखवाया भी है अपने इधर है और वो किसानों को अपन देते भी है। नहीं, यूरिया कम करना एक तय करना चाहिए। देखिए, किसानों का फायदा अभी उनको अंदाज नहीं आ रहा है, उनको लगता है जितना ज्यादा डालेंगे फायदा होगा। ये धरती माता हमारी, इवन हम भी अगर जरूरत से ज्यादा दवाइयां खाएं तो क्या होगा, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो ऐसा ही यूरिया का है, हमारी धरती माता मर जाएगी तो उसको मरने नहीं देना है जी। बिल्कुल सर। तो दोस्तों आपने देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपील की गई है कि हमें जितना कम हो सकता है उतना DAP यूरिया और जितने भी सारे ये फर्टिलाइजर्स है वो कम उपयोग करने हैं, क्योंकि उससे खेती अपनी ज़मीन को भी नुकसान है, साथ ही साथ हमें भी नुकसान है और साथ ही दोनों तरह से हमें नुकसान होता है, आर्थिक भी और शारीरिक भी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा उपयोग इन फर्टिलाइज़रों का हो रहा है उतनी ही ज़्यादा बीमारियां पैदा हो रही है। जैसे मान लीजिए कि कीटनाशक हो गए, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, जितने भी सारे कीटनाशक होते हैं वो अपनी फसलों पर हम डालते हैं और वही उल्टा अपने ऊपर रिएक्शन करते हैं। यही है दोस्तों कि आपको ध्यान रखना है, जितना कम हो सकता है आपको इनका उपयोग करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।